दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज जिनको आप इंडिया में शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इन चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज की खास बात क्या है, अभी हाल फिलहाल इंडिया में कोई भी इन स्टार्टअप्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, और अगर कोई कर भी रहा होगा तो बड़े लेवल पे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन स्टार्टअप के ऊपर काम कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इन स्टार्टअप्स के ऊपर फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और वहां पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में इनको शुरू कर सकते हैं। वैसे आप खुद जानते होंगे जो भी स्टार्टअप्स होते हैं या कोई भी नया इनोवेशन होता है वो सबसे पहले फॉरेन कंट्रीज में होता है, उसके बाद में इंडिया के अंदर उसको कॉपी किया जाता है। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन कंट्रीज में थी, उसके बाद में इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया और आज वो बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहें तो इनमें से किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर काम कर सकते हैं और इंडिया में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं इन चारों स्टार्टअप के ऊपर आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको वो चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की। और आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं वो चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज क्या है। सबसे पहला स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है प्लांट बेस्ड मीट। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे प्लांट से मीट बनाकर बेचने का बिजनेस। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, प्लांट से मीट कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इंडिया में भी हाल फिलहाल में कोई भी बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है उसका नाम भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप जरा सोचिए इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो मीट खाते हैं। मीट खाते मतलब चिकन मटन या उसके जैसे जो चीजें होती है वो खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो मीट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके का स्टार्टअप शुरू किया जाए तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी इंसान मीट खाता है उसको कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये रिग्रेट होता ही है कि वो मीट खा रहा है इसी की वजह से जानवरों को मारना पड़ रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो खाते ही खाते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्लांट बेस्ड मीट बनाकर मार्केट में बेचें तो उनको अल्टरनेटिव मिलेगा और वो जरूर इस ऑप्शन को चूज करना पसंद करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कौन सी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, उस कंपनी का नाम है बियॉन्ड मीट। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके और भी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं आज से कुछ दिन पहले मैं एक इंसान से मिला जो फ्लेवर बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था और उसने मुझे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें बताई जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता नहीं सकता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि जितने भी फूड्स हमको मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर फ्लेवर डाला जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं, जैसा फ्लेवर चिकन में आता है मटन में आता है वैसे फ्लेवर बनाकर यूज कर सकते हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम एक्चुअल चीज दे सकते हैं, एक्चुअल टेस्ट दे सकते हैं जैसा सेम टू सेम चिकन में होता है या फिर मटन में होता है। और दोस्तों मैंने उनसे कंफर्म भी किया था कि जो इस तरीके के फ्लेवर्स होते हैं उनको अलग अलग मसाले डालकर बनाया जाता है जो प्योरली वेजिटेरियन होता है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट को इंडिया में शुरू किया जा सकता है, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे सारी चीजें की जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। दोस्तों प्रीवियसली भी मैंने काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड किया है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया फंडिंग से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो उसमें हर शार्क यही कहता था कि 2020 से लेकर 2030 तक स्टार्टअप्स की वेव आने वाली है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग स्टार्टअप करेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए जब भी कोई आदमी स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों फंडिंग पाने के मार्केट में कितने ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए अगर कोई इंसान बैंक के पास जाएगा तो अगर कोई नया स्टार्टअप है जिसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है तो बैंक उसको एंटरटेन करेगा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा इंसान जिसके पास जबरदस्त आइडिया है वो कैसे फंडिंग पा सकता है। देखिए दोस्तों आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसके पास एक जबरदस्त आइडिया है और उसका नाम है ए,
और उसके बाद में दूसरा एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपने पैसे के साथ करे क्या, उसको कहीं ना कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि उसके पैसे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए। इसका नाम है बी। अब दोस्तों ए को बी से कैसे मिलाया जा सकता है? देखिए, इसको पैसे की जरूरत है, इसके पास इतने पैसे, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अगर ये इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है इसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो। सो दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं और ए और बी को दोनों को अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ए को पैसे की जरूरत है, इसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो गया और साथ ही साथ में जितने भी पैसे इन्वेस्ट होंगे उसमें से आपको सर्टन कमीशन मिल जाएगा। अब कमीशन आप कितना भी रख सकते हैं, 2% से लेकर 5% के बीच में। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, जब भी फंडिंग दी जाती है तो बड़े अमाउंट में होती है, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की, तो उसका 2% से लेकर 5% भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके का स्टार्टअप शुरू किया जाएगा तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर कुछ स्टार्टअप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। सो दोस्तों सारे के सारे एंट्री लेवल पे है, तो अगर आप भी चाहें तो आप भी एंट्री लेवल पे काम शुरू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी मार्केट को कैप्चर करके अपने ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तीसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं और उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मतलब उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, रेंट पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, इसके अलावा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों ये जो लोग छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, ये जब भी कोई इनवॉइस रेज करते हैं, मतलब बिल रेज करते हैं, तो इनको जो पैसा मिलता है उसका जो साइकिल होता है 15 दिन से लेकर 60 दिन का साइकिल होता है। मतलब इतना उनको क्रेडिट देना पड़ता है। मतलब दोस्तों जब भी इन्होंने माल दिया उसके बाद में जब ये बिल बनाकर देंगे तो अगले 15 दिन से लेकर 60 दिन में इनको पेमेंट मिलने वाला है। अब दोस्तों जरा सोचिए, कोई इंसान है जो छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके और अचानक उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है, अगर वो उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसके पास पैसा नहीं है ताकि वो और रॉ मटेरियल खरीद सके, तो दोस्तों उस केस में वो क्या करेगा? देखिए दोस्तों, उस केस में उसके पास इनवॉइसेस पड़े हैं जो फ्यूचर में उसको पैसा मिलने वाला है। सो दोस्तों वो क्या कर सकता है, उन इनवॉइसेस के बदले में किसी से पैसा ले सकता है। अब दोस्तों अगर किसी से उधार लेगा तो आप खुद समझते हैं कि कोविड के बाद में सबकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी उधार देना नहीं चाहता। इसके अलावा दोस्तों अगर वो बैंक में जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। सो दोस्तों इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर किसी के पास भी इन्वॉइसेस पड़े हैं जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है, जैसे कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, तो वो आदमी क्या कर सकता है, अपने इन्वॉइसेस को हमारे प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है और उसके बाद में उसके इन्वॉइसेस का जितना भी अमाउंट होगा उसमें से सर्टन अमाउंट कट करके हम उसको पैसा दे देंगे, एडवांस पे पैसा दे देंगे। मान लीजिए उसके पास लाख रुपए के इनवॉइसेस पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, अपने इनवॉइसेस को सबमिट करेगा, उसके बाद में हमारी जो बैकएंड टीम होगी वो उस इनवॉइसेस को चेक करेगी क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है तो उसमें से सर्टन पैसा कट करके हम उसको दे देंगे, तो उस आदमी को जब पैसा मिलेगा तो वो अपने बिजनेस में लगाएगा और बड़े ऑर्डर को इजीली कंप्लीट कर लेगा और उसको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों हम जो इनवॉइसेस के लिए उसको पैसा दे रहे हैं वहां पे भी हमको अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख के इनवॉइसेस है तो उसके बदले में आप उसको 97,000 दे सकते हैं, 96,000 दे सकते हैं, 95,000 दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे विन-विन सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलब दोस्तों आपके पास जो पैसे हैं उनको आपने किसी को देकर बहुत ही कम समय के लिए अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा लिया, इसके अलावा जिनको पैसे की जरूरत थी उनको पैसे मिल गए, उनका भी काम हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर पैसे आप नहीं देंगे, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है और साथ ही साथ ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं जिनके पास इन्वॉइसेस हैं और वो अपने इन्वॉइसेस से पैसे रेज करना चाहते हैं। जैसे हमने दूसरे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया में देखा, ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आप इस पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे विन-विन सिचुएशन क्रिएट होगी। जिसको पैसे की जरूरत है उसको इन्वॉइस के बदले में पैसे मिल जाएंगे, इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी पड़ा है उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा और उनको जो इंटरेस्ट मिला है उस पर सर्टन कमीशन आपको भी मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, हमारे पूरे खाली इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास कितने सारे इन्वॉइसेस होते हैं। अगर उनको ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छे से ये काम कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरीके का काम ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज तरीके से हमारे आसपास में चल ही रहा है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना होगा, सिंपली कमेंट करना है। मैं आप लोगों के लिए
वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगा। चौथा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया, दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है इससे आप पैसे तो कमाएंगे ही लेकिन इसके साथ साथ सोशल सर्विस भी होगी। देखिए दोस्तों हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजाना कैंसर डिटेक्ट होता है। अब दोस्तों जिन लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है उनको इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता कि उनको कैंसर है, क्योंकि दोस्तों अगर उनको पता चल जाए और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ले तो सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी जितनी खराब अक्सर हो जाती है। देखिए दोस्तों जब भी किसी को पता चलता है कि कुछ सिम्टम्स हैं तो वो उसको अवॉइड करता है, फिर एक महीना दो महीना छः महीना निकल जाता है और उतने ही टाइम में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब दोस्तों ये क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी किसी को कोई सिम्टम डिटेक्ट होते हैं तो वो लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पे जाके उनको एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके ऊपर कैंसर से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ताकि उसमें क्या होगा अगर किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है या कुछ सिम्टम्स होते हैं तो वो एप्लीकेशन में आके चेक कर सकता है कि उसको क्या सिम्टम्स है। तो उससे पता चल सकता है कि आपको ये कैंसर होने के चांसेस है, अगर ये कैंसर है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को आप देख सकते हैं और इस ट्रीटमेंट के लिए आपको कितना खर्चा आएगा वो भी बताया जा सकता है। इसके अलावा कौन से ऑप्शंस है, कौन से सिटीज में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इंडिया में अगर कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, फॉरेन कंट्रीज में कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी इंफॉर्मेशन अगर एक ही जगह पे अवेलेबल हो तो किसी भी इंसान को अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो वो पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे इस कैंसर के साथ लड़ा जा सकता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सोशल सर्विस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कॉज है, लेकिन अगर हम इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक आने लगता है तो आप बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका है आप ऑनलाइन मेडिसिन सेल करके पैसे कमा सकते हैं, इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उनको करवा के पैसे कमा सकते हैं, और दोस्तों अगर वो भी नहीं करना चाहें तो आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे कमा सकते हैं। सो दोस्तों पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इस तरीके की एप्लीकेशन कोई भी मार्केट में है नहीं। अगर आप चाहें तो इस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं और उससे आप डेफिनेटली पैसे तो कमा ही पाएंगे। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो कोई हमारी एप्लीकेशन को क्यों यूज करेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है लेकिन एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। कुछ चीज़ें कोई दूसरी वेबसाइट पे, कुछ चीज़ें किसी और वेबसाइट पे, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो में अवेलेबल है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप एक जगह पे लेके आ जाएं तो लोग आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना पसंद करेंगे और इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज़ बता दिए हैं, उनमें से किसी भी स्टार्टअप के ऊपर अगर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।